अगर आपका फॉर्म 1910 से रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्ट में लिखा है कि आप जो है ना पुरानी आईडी को ट्रांसफर कीजिए, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं। आप यहां देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो 19 और 10 सी भर रहा है और अपना पीएफ निकालने की कोशिश कर रहा है और पीएफ ऑफिस वाले बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट में लिख ये रहे हैं कि भाई आपके जो यूएन है ना इसमें मल्टीपल मेंबर आईडी है, तो कृपया करके पहले उसको फॉर्म नंबर 13 भर के ट्रांसफ़र कर लो और उसके बाद ही आप फॉर्म 1910 सी अप्लाई कीजिए। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पर आपको तो मैंने बता दिया है, लेकिन जिस भाई साहब का है उस भाई साहब को समझ नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ आए हैं। हम मेंबर होम की वेबसाइट पे आए हैं, सर्विस हिस्ट्री के अंदर आए हैं। जब आप सर्विस हिस्ट्री देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चार सर्विसेज हैं और यहाँ चार सर्विसेज के अंदर में मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये यहाँ पे इस जगह पे फॉर्म 1910 से भर रहे हैं, तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस कह रहा है कि भाई तुम्हारे यूएन में ना पहले और कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों को ट्रांसफ़र कर लो पहले और उसके बाद निकालो। पीएफ ऑफिस ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर बिना ट्रांसफ़र किए वो इस वाली आईडी से पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो पुरानी आईडियों में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसे इनके नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो फिर ये परेशान होंगे और पीएफ ऑफिस में और कंपनी में चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एग्जिट डेट होनी चाहिए। मान लीजिए आपका केस है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि पहले पुरानी सभी आईडी में एग्जिट डेट होनी चाहिए और एग्जिट डेट होने के बाद आप क्या कीजिए, आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी बस इतना सा करना है कि आपको जाना है वन मेंबर वन पीएफ पे और यहाँ जाके आपको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नीचे जाएंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट डिटेल करेंगे, यहाँ आपकी जितनी सर्विसेज होंगी सारी सर्विसेज आ जाएंगी, इसको टच करेंगे और यहाँ पे ओटीपी लेके अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भर देंगे। जब आप ट्रांसफ़र फॉर्म भर देंगे तो आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा आपका ट्रांसफ़र फॉर्म। तो जब आपका यहाँ ट्रांसफ़र फॉर्म आ जाए, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाए पीएफ ऑफिस से, उसके बाद क्या करेंगे आप, जब वहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाएगा, ट्रांसफ़र क्लियर हो जाएगा, तब जाके आप 1910 सी भरेंगे। क्या मैं इतना जो डिटेल में बता रहा हूँ ये आपको कोई और बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि बाकी लोग पीएफ कंसल्टेंट नहीं है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, मैं इस काम को फीस लेके करता हूँ। तो यहाँ पे जो फीस लेके करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। मैं अकेला इस चीज़ को कितना जानूंगा, तो मैं यहाँ पे अपने ज्ञान को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि इस ज्ञान का फ़ायदा उठा के जो लोग परेशान होते हैं, पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, उनके चक्कर बच जाए, पीएफ ऑफिस जो बार बार फॉर्म रिजेक्ट करता है उनको फॉर्म रिजेक्ट करने से वो बच जाएं, और यहाँ पे सबका मंगल हो, बस मेरी यही कामना है। और साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये चैनल बड़ा हो, तो बड़ा होगा तो ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सकेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।